हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोनक मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो हमारे नया चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, जेनेटिक्स, उसी का है। तो जैसे मैंने अपन ने बात करी थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, जो मेंडल ने दिया था, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए उसकी कुछ मतलब अलग अलग बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उनके कुछ डिफाइंस हैं और किस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या क्या उसका मतलब होता है, उसको पहले समझना जरूरी है। उसके बाद अगर अपन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ डिफाइंस आती हैं, उनको हम आज देखेंगे। देखें तो आ रही है अपने पास रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो उनकी डिफाइन से पहले एक चीज़ और है कि भाई मेंडलिज्म क्या हुआ था, वापस से डिस्कवर किया गया था, क्योंकि इनका जो मेंडल ने जो मतलब नियम दिया था वो क्या हो गया था, लगभग 35 ईयर्स के लिए क्या कर दिया गया था, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो उनकी वापस से खोज हुई थी, वो कुछ साइंटिस्ट ने दी थी, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर अलग अलग कर करके। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में इनकी अलग अलग जो टर्म्स थी उनके डिफाइन दी गई थी, ठीक है ना। तो उससे पहले एक बार इनको देख लेते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंटेड बाय मेंडल वर इग्नोर्ड फॉर 35 ईयर्स। लगभग 35 साल तक इनका जो लॉ था वो इग्नोर कर दिया गया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब उसको ध्यान से देखा ही नहीं गया। फिर आए अपने पास ह्यूगो डी वेरीज ऑफ होलैंड, साइंटिस्ट हैं जो होलैंड के थे, ह्यूगो डी वेरीज। एंड फिर आए कार्ल कॉनर्स जो हैं जर्मनी के, एंड इरिक वॉन जो थे ऑस्ट्रिया के। अब ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग क्या करा, सेपरेटेड वर्क, अलग अलग वर्क करा और वापस से मेंडलिज्म को खोज निकाला। एंड ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल इन 1900, यानी कि लगभग 1900 में इन्होंने इस लॉ को वापस से खोज करी और इसके बारे में डिस्कवरी करके इसके बारे में जानकारी पता करी और फिर वापस से इसको प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं अपन जेनेटिक्स इन टर्मिनोलॉजी, मतलब अपन अलग जो टर्म्स थे जेनेटिक्स में वो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें फर्स्ट अपने पास जीन। अब जीन क्या होता है, जीन मतलब एक ऐसा कारक है जो क्या कर रहा है, किसी लक्षण को आगे से आगे पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसके थ्रू लक्षण अलग अलग हो रहे हैं और आगे पहुंच रहे हैं। तो दिस इज द फैक्टर विच कंट्रोल्स कैरेक्टर, यानी कि जो लक्षणों को कंट्रोल करने का काम कर रहा है उस फैक्टर को क्या बोलते हैं अपन, जीन, ठीक है। ये चीज तो आपको आगे समझ में। फिर अपने पास आ रहा है कि भाई एलिमोमोर्फ एलील या फिर एलिमोमोर्फ और एली एलएल, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं, टू फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन के दो प्रकार होते हैं जिन्हें को हम बोलते हैं एलिलोमोर्फ या फिर एलएल, ठीक है। फिर आता है अपने पास होमोजाइगस। होमोजाइगस नाम से जैसे पता चल रहा है अपने पास, अपन ने बात इससे 9th क्लास में एक चीज पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। हेटरोजीनियस में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये इसी का टाइप है। होमोजीनियस में क्या होंगे, कैरेक्टर्स कैसे होंगे, एलल्स के अलग अलग नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। व्हेन द टू एलल्स कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर आर सेम, जो टू एलल्स होते हैं कंट्रोलिंग कैरेक्टर के, मतलब लक्षणों को कंट्रोल करने का जो काम कर रहे हैं वो अगर सेम है तो वो कौन सा हो जाएगा, होमोजाइगस नेचर के, देन इट इज नोन एज होमोजाइगस, तो उसको होमोजाइगस के नाम से जाना जा सकता है। फिर आता है हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस व्हेन टू एलल्स ऑफ जीन आर डिफरेंट, जब अगर दो एलल्स जो हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग लक्षणों वाले हैं, तो फिर उनको हेटरोजाइगस बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद आता है अपने पास फेनोटाइप। इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ लिविंग बींग, यानी कि बाहर से लिविंग बींग कैसा नजर आ रहा है, एक्चुअल में अगर उसका अपन लक्षण जैसे मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट होने में वो कैसा दिख रहा है अपन को, तो उसको बोलते हैं फेनोटाइप, बाहर से जो दिख रहा है, ठीक है ना। अब जैसे समझने की कोशिश करें इसको एग्जाम्पल से, तो लॉन्ग प्लांट्स कैन बी होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब अगर जो लॉन्ग प्लांट है उसके दो लक्षण होते हैं कि भाई दोनों लक्षण अगर कैपिटल टी वाले हैं, यानी दोनों टी का मतलब होता है लंबा, कैपिटल टी का मतलब दोनों अगर कैपिटल टी आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, प्लांट लंबा है। अदरवाइज हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस आता है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई है तो लंबा ही, क्योंकि जो कैपिटल वाला लेटर होता है ना उसी के लक्षण को प्रभावी माना जाता है। तो मतलब इसका इफेक्ट इसका ज्यादा है कैपिटल टी का, तो यानी कि ये होगा कैसा, लंबाई, बट ये क्या है, मिक्सचर, जो कैसा है इसका, मतलब कि
डिफरेंट वर्णन है, कैरेक्टर्स कैसे हैं डिफरेंट। तो ये होगा हेटरोजाइगस और ये वाला होगा होमोजाइगस, बट है कैसे दोनों लंबे हैं। तो लक्षण यानी कि जो कैरेक्टर है वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देने वाला कौन सा हो गया अपने पास है लॉन्ग वाला, तो उसको बोल रहे हैं फेनोटाइप। ठीक है, इसके बाद आ गया अपने पास जीनोटाइप। इट इज ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लिविंग बींग। ये क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो मतलब सब में फिक्स होता है, मतलब जिसका उसका होना है वो कि वही काउंट किया जाता है, जिनका रेशो देखा जा सकता है कि भाई कितने कितने में ये है। जिस तरीके से अपन इसके लोगों को पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल लेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद अपने पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखें, द कैरेक्टर्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन अफगान जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट। अब क्या होता है, जैसे मतलब जो इन्होंने मटर के पौधे को लिया था, मटर के पौधे के जो बीज होते हैं उनमें मटर के पौधों में क्या कराया इन्होंने, बीच में क्रॉस सेक्शन करवाया, मतलब कि आपस में जो रिप्रोडक्शन करवाया, तो रिप्रोडक्शन में इनको अलग अलग जनरेशन मिलेगी। एफ वन जनरेशन फर्स्ट जनरेशन होगी, एफ टू जनरेशन सेकेंड जनरेशन होगी, इस तरीके से। तो एफ वन जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जो लक्षण हमें दिखाई देंगे ना, उन लक्षणों को बोला जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है ना, तो देखें द कैरेक्टर्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन एफ वन जनरेशन, ऐसे कैरेक्टर्स जो एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है ना, डोमिनेंट बोलो या डोमिनेंट कैरेक्टर बोलो, बात एक ही होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है अपने पास रिसेसिव कैरेक्टर की। अब रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, द कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एफ वन जनरेशन, ऐसे कैरेक्टर्स जो एफ वन जनरेशन में दिखाई देते ही नहीं है उनको क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर, आर कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। मतलब एफ वन जनरेशन में जितने भी अपने पास प्लांट बन रहे हैं उनमें अगर अपन को क्या होता है कि भाई कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उन कैरेक्टर को क्या बोला जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर। एफ वन जनरेशन में अपन को जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं ना वो टी टी टाइप के प्राप्त होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट अपन को मिलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा जो कैरेक्टर है वो इफेक्ट ज़्यादा दे रहा है, कैपिटल वाला देगा, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल टी वाले अपन को इफेक्ट उनका नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा हो गया, नहीं दिखने वाला, स्मॉल टी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता अपने पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है समझते हैं, इट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जिसमें क्या हो रहा है, केवल एक ही लक्षण के बारे में स्टडी की जा रही है, एक ही लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, एक ही लक्षण को ध्यान से देखा जा रहा है, तो वो जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या है, इट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड, जिसके अंदर केवल एक कैरेक्टर को ही स्टडी किया जाता है। फिर आता है अपने पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसमें दो लक्षणों को करेंगे, डाई आ रहा है इसमें, इट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन विच इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड, इसमें दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, फिर आता है अपने पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ थ्री क्रॉस थ्री कैरेक्टर्स आर स्टडीड, इसमें क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में तीन कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है, तो वो ट्राई क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर भी होगी। इसके बाद पॉली हाइब्रिड क्रॉस आ रहा है, तो मतलब तीन से ज्यादा अगर अपन क्या कर रहे हैं उन हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कि भाई पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस, कभी कभी डिफाइंस में इनको पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर आना अपने पास टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है देखें, हाइब्रिडाइजेशन इन विच एफ वन जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव फेनोटाइप फेनोटाइपिक पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। जिसमें क्या हो रहा है, एफ वन जनरेशन में जो हमें प्लांट मिल रहे हैं उनका उनके पेरेंट जो मतलब रिसेसिव फेनोटाइपिक पेरेंट थे उनके साथ क्रॉस कराया जा रहा है, चाहे वो मोनो हो सकता है, चाहे वो डाई हाइब्रिड हो सकता है, ट्राई हाइब्रिड या पॉली हाइब्रिड करवाया जाएगा, तो उस समय जो मतलब क्रॉस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है,
तो ये तो कुछ डिफाइंस थे जिनका अपन को ध्यान रखना है, और इसके बाद कुछ डिफाइंस हमारी और रह रही है, कुछ मतलब 6 और 7 डिफाइंस है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आगे ये जो हमारे लॉज हैं, मेन 3 लॉज हैं इनके, तो वो वाले तीनों लॉज अपन को ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार कम्प्लीट पढ़ लें, कोई भी इशू किसी डिफाइन में आपको रह जाता है तो वापस से एक बार जरूर पूछ लें।